हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। उसके बाद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ध्यान रखें कि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, तो सिर्फ तीन ही चीज़ें होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी नंबर से अगर मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है तो मेनली तो तीन ही चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि कोई भी टू मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए मैट्रिक्स मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड, मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकेगी, मल्टीप्लाइड इफ क्या होना चाहिए, ध्यान से, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से, फिर से, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हो सकेगी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। ठीक, ओके, वैसे हमने जब ऑर्डर देखा था तो ऑर्डर में हमने सीखा था कि अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं, जो नंबर ऑफ रोज वो एम होती हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने होते हैं, एन, मतलब फर्स्ट इज रो एंड सेकंड इज कॉलम। तो इसमें ये होगा कि जैसे कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, अगर आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो इसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। ठीक, या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो ए है वो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, ठीक, और जो बी मैट्रिक्स है वो है पी क्रॉस क्यू की। अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है तो एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए, मतलब एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए, क्योंकि एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड पी मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये सेम होंगे तभी इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे पी की जगह पे एन लिख दूँ देन ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाईएबल। ओके, अच्छा, अब मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे सपोज करते हैं, चेक करते हैं आप कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर भी 2x3 है। देखिए, इन दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है, ठीक है, दोनों ही मैट्रिसेस का कैसा ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? अब इसके अंदर मतलब क्या ए बी पॉसिबल है या फिर क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए, ठीक, अगर मैं ए की बात करूँ तो इसका ऑर्डर है 2x3 और बी की बात करूँ तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2x3, तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स सेम नहीं है। यहाँ पे ऐसे कीजिए कि दोनों के मतलब ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर ऐसे लिख लीजिए और उसके बाद ये बीच वालों को चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर ये बीच वाले सेम आए, सेम होंगे तो वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अगर ये बीच वाले सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही जैसे ये बी, बी का ऑर्डर कितना है 2x3, ये बी का ऑर्डर है, ठीक, तो अब ए का ऑर्डर कितना है, वो भी कितना है 2x3, अब ये सेंटर वाले चेक करेंगे तो फिर से क्या, सेम नहीं आए, ये तो इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, तो ये दोनों के दोनों जो आपके पास मैट्रिसेस हैं, ये दोनों के दोनों जो मतलब सॉरी ये दोनों के दोनों जो मल्टीप्लाई हम करने की कोशिश कर रहे थे ये आपके पास नॉट डिफाइंड है, मतलब ये मल्टीप्लाई हम कर ही नहीं सकते। ठीक, अच्छा, अगर बाई चांस इसकी जगह पे मैं 3 कर दूं, यहाँ पे मान लीजिए कि जो बी मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स कर देता हूँ 3x3 की, तो अब चेक करते हैं क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी, ए इंटू बी पॉसिबल है, चेक करते हैं, ए का जो ऑर्डर है वो है 2x3, ठीक, बी का जो ऑर्डर है वो कितना है 3x3, बीच में चेक किया तो वाह मल्टीप्लाई तो हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, इट मीन्स ए बी इज़ डिफाइंड, ए बी इज़ डिफाइंड, ये मल्टीप्लाई हो सकती है भाई। ठीक, ओके, तो अब अगर मल्टीप्लाई हो सकती है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, अब देखो ये इन ये दोनों तो सेम देखे हमने, भी सेम थे तो मल्टीप्लाई होगी, तो अब क्या कीजिए कि ऑर्डर में इनको फिर हम साफ़ कर देंगे बीच में से, जो अगर सेम आ जाते हैं तो ठीक है, तो इनको अलविदा बोल देंगे, उसके बाद यहाँ से क्या बचा 2 और यहाँ से क्या बचा 3, मतलब जो ए बी का ऑर्डर होगा ना वो होगा आपके पास 2x3, समझाई बात, यानी कि
मैं सिंपल वे में ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की और ये मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी की, तो अब एन और एन तो सेम है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये बीच वालों को हम कट कर देंगे जो सेम थे, उसके बाद यहाँ से एम और यहाँ से पी, तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एम क्रॉस पी। ओके, तो यहाँ से हमने ये बात देखी कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना तो ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई होंगी। हाँ, उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है और उनकी इक्वेलिटी भी देखी जा सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी मल्टीप्लाई होगी। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। ओके, हाँ, कई बार क्या है कि अगर मान लो दोनों की दोनों स्केयर मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई जरूर होगी। कैसे, जैसे सपोज़ कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, बी भी आपकी कैसी है 3x3 की मैट्रिक्स है, तो बीच में देखेंगे कि ये तो सेम आ गया, सेम आया तो मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ए इंटू बी, और जो मैट्रिक्स ए बी, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से 3 यहाँ से 3, तो उसका ऑर्डर भी कितना आया 3x3। मतलब कि स्केयर मैट्रिक्स हैं, अगर दो स्केयर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और उनका ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, मतलब सेम टू सेम ऑर्डर ही रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि दिस मैट्रिसेस 2x2 एंड दिस मैट्रिसेस 2x1, ये मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई तो हो सकती है, ठीक है, ओके, लेकिन जब मल्टीप्लाई होके ए बी आएगा तो उसका ऑर्डर होगा 2x1, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्डर है वो इससे मैच नहीं कर करता, और कई बार हो सकता है भी इससे मैच भी ना करें। जैसे सपोज करो कि अगर मैं 2x3 की कर देता हूँ इस मैट्रिक्स को, और इसको मैं कर देता हूँ 3x2 की, तो अब बीच में तो सेम है लेकिन इसका ऑर्डर कितना आएगा 3x3, इसका ऑर्डर ना तो इसी से मैच करता है ना इससे मैच करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक, सिर्फ ये पॉसिबल है आपके पास ओनली स्केयर मैट्रिक्स के अंदर, कि जब दोनों का स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। ओके, अब देखिए मैट्रिक्स ये तो देख ली कि कब पॉसिबल है कब नहीं पॉसिबल है, अब ये भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई देखते हैं कि किस वे से करना है। अब आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, सपोज कीजिए मैट्रिक्स है आपके पास 1, 2, 4, 6 और यहाँ पे मैट्रिक्स है आपके पास 1, 2, 6, 3, -2, 1, ठीक। अब इसका ऑर्डर आप देखोगे तो इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका ऑर्डर देखोगे तो 2x3, बीच वाले देखें सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है, और अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो बचता है यहाँ पे 2x3, मतलब कि जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर होगा आपके पास 2x3, यानी कि 2x3, दिस इज द थिंग। ओके, अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई किस वे से करनी है, मल्टीप्लाई किस वे से करनी है, क्या करोगे कि जो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, इसको उठा के ऐसे ही इस कॉलम के ऊपर रख देंगे बस, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज कीजिए कि ये आपके पास ये 1, 2 था, ठीक, ये क्या है कॉलम है, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे 1 आएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा 2, इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई और फिर कर देंगे प्लस, ठीक है। जैसे इस 1 इसके ऊपर आएगा, 2 इसके ऊपर आएगा, तो 1 × 1, 1, 2 × 2, 4, और इनको कर देना है प्लस, दिस इज द थिंग, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, उसके बाद इसी रो को अब इसके ऊपर उठा के रखेंगे इस तरीके से, मतलब इस रो को यहाँ पे रखेंगे, तो जो 1 है इसके ऊपर आएगा, ठीक, तो मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 है यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ गया प्लस। अब 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, ओके, इसका काम डन है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो 1 × 2 है अब इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब 1 को जैसे ही देखिए इसको पकड़ के यहाँ पे रखेंगे तो 1 इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और जो 2 है यहाँ पे आएगा तो 2 यहाँ पे आ गया, मतलब 1 × -2 दैट इज -2 प्लस 1 × 2, तो ये हो गया आपके पास 2। इस वे से देखिए, पहले ही फर्स्ट रो उठाई मैंने और पूरे के पूरे सभी कॉलम्स के ऊपर रखता गया, पहले इस कॉलम के ऊपर, फिर इस कॉलम, फिर इस ये वाला कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम। अब क्या, फर्स्ट रो की सारे के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब चलते हैं सेकंड रो को, ठीक है, सेम वर्क सेकंड रो के लिए आपके पास, ठीक। सेकंड रो के लिए क्या वर्क है, सेकंड रो क्या, ये 4 है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के ऊपर जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के ऊपर जाएगा, ध्यान रखें,
और जब आपके पास ऑर्डर डिफरेंट हो ना, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल ही ना हो, तो क्या होता है कि जितने इसमें दो एलिमेंट हैं इसमें भी दो एलिमेंट हैं। अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी ना, तो जितने इसमें एलिमेंट हैं उतने इन दोनों में सेम एलिमेंट नहीं होते। क्या होता है, इसमें एलिमेंट दो हों इसमें तीन हों, या ये भी हो सकता है कि इसमें थ्री हो इसमें टू हों। तो दिस इज़ द थिंग। अब क्या करना है कि जैसे ही इसको इसके ऊपर रखेंगे, फोर यहाँ पे और सिक्स यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा फोर वन ज़ा फोर एंड सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। उसके बाद नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट वर्क है, फोर सिक्स को अब इनके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे फोर यहाँ पे सिक्स, तो सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थ्री ज़ा एटीन। अब इनके टर्न क्या है, अब यहाँ पे रखेंगे, फोर इसके ऊपर जाएगा, इसको पकड़ के यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के ऊपर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के ऊपर, फोर को यहाँ लिखेंगे तो फोर, सिक्स को लिखेंगे तो सिक्स, फोर टू ज़ा माइनस एट, सिक्स वन ज़ा सिक्स। ओके, बस अब क्या काम है, फोर एंड वन फाइव, ट्वेल्व एंड फोर सिक्सटीन, उसके बाद सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास, एट एंड फोर ट्वेल्व एंड थ्री एंड टू फाइव दिस वन, और यहाँ से होगा आपके पास माइनस टू और ये होगा आपके पास ज़ीरो। सो ये आ गया आपके पास आंसर। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास टू वन थ्री टू, टू वन थ्री टू माइनस वन वन, इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, वन ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस वन, सॉरी यहाँ पे वन ही है, एंड दिस इज़ वन टू वन। अब देखिए इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है। फिर से पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं, या ऐसे ही हम वैसे ही मल्टीप्लाई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसमें थ्री रोज़ हैं और टू कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ थ्री क्रॉस टू, और इसमें टू रोज़ हैं और थ्री कॉलम है तो टू क्रॉस थ्री। यानी कि क्या हुआ कि अब जो यहाँ पे क्या है कि ये टू क्रॉस टू और टू मैच हो गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। और अगर मैं टू और टू को इरेज कर देता हूँ तो यहाँ पे बचता है थ्री एंड थ्री, मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी ना उसका ऑर्डर होगा आपके पास थ्री क्रॉस थ्री का, ठीक। ओके, तो अब की बार ये भी देख लेंगे कि क्या ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री आ रहा है, ठीक, और साथ में इनकी मल्टीप्लाई फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट रो पे चलिए, ठीक। देखिए पहले फर्स्ट रो की सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर सेकंड रो को सबके साथ देखना है, और फिर थर्ड रो को, ठीक है। फर्स्ट रो को उठाते हैं, फर्स्ट रो को उठाएंगे तो ये टू वन, ठीक है, टू वन को यहाँ पे रखेंगे, मतलब टू वन ज़ा टू, ठीक है, एंड वन इंटू वन वन। ओके, अब इसकी टर्न है, इसको यहाँ पे उठाएंगे तो टू जीरो पे जाएगा, वन यहाँ पे, टू ज़ीरो ज़ीरो, वन टू ज़ा टू, मतलब जीरो प्लस टू। उसके बाद अब इसको यहाँ पे भेजेंगे तो टू की मल्टीप्लाई वन के साथ होगी, तो टू वन ज़ा टू होता है एंड वन वन ज़ा वन ही होता है। अब इसकी टर्न है तो यहाँ पे क्या, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू को यहाँ पे रखेंगे। देखिए फर्स्ट रो एंड हो गया तो मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद थ्री की मल्टीप्लाई वन के साथ, टू की भी वन के साथ, तो थ्री इंटू वन थ्री एंड टू इंटू वन टू, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा, ख्याल रखें, ठीक है, जब तक इनका कोई साइन अलग नहीं है, ठीक। ओके, अब थ्री को इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे थ्री आएगा सर, यहाँ पे टू आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ज़ीरो ज़ीरो एंड टू टू ज़ा फोर, ठीक। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो थ्री वन ज़ा थ्री, ठीक, एंड टू वन ज़ा टू, ये आ गया आपके पास। अब टर्न है आपके पास थर्ड, इसकी थर्ड रो की, तो माइनस वन की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ द माइनस वन, और वन की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन। उसके बाद क्या करना है, माइनस वन की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, वन की टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, फिर माइनस वन की वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन, वन की इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन, और बीच में प्लस। बस अब इसको सोल्व कर देना सर, सोल्व करेंगे तो टू एंड वन थ्री, थ्री एंड टू फाइव, माइनस वन एंड वन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, टू फोर टू, यहाँ पे कितना आएगा, टू एंड वन थ्री, थ्री एंड टू फाइव, माइनस वन एंड वन ज़ीरो। ओके, तो ये होगी सर मल्टीप्लाई, और ध्यान से देखिए कि इसका ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री है, जो हमने पहले ही पता लगा लिया था, ठीक। मतलब कि ऑर्डर पता लगाने के लिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो वहीं से पहले ही डिस्क्राइब हो सकता है, मैट्रिक्स हमें पता हो या ना हो पता हो, लेकिन उसका उनका ऑर्डर जरूर हमें पता होना चाहिए पहले ही। तो इस तरीके से सर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। ओके, उसके बाद ये हमने मल्टीप्लाई सीख ली, तो आप
घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं दो क्वेश्चन कर लेता हूँ और दो क्वेश्चन में ही मैंने पूरी मल्टीप्लिकेशन अच्छे से मेरे को आ गई है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अच्छे से कम 10-15 क्वेश्चन कीजिए घर पे बैठ के, ताकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है अच्छे से आ जाए। वरना क्या है कि इसमें कन्फ्यूजिंग हो जाती है, और जब कन्फ्यूजिंग हो जाती है ना, आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना जब, तो क्या होगा कि किसी की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और कहीं पे प्लस कर दोगे, कहीं पे माइनस कर दोगे। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमने एडिशन में पढ़ा था कोमुटेटिव, कोमुटेटिविटी। उसके बाद हमने पढ़ा था एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक। फिर हमने पढ़ी थी उसके अंदर आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी इसके अंदर है कि नहीं, ठीक। और फिर पढ़ा था हमने इनवर्स, ठीक है। तो इनमें हम पहले ये तीन चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनवर्स पे जाएंगे, ठीक। तो पहले, सबसे पहले तो आते हैं कोमुटेटिविटी पे। देखिए, कोमुटेटिविटी में प्लस के अंदर क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे क्या होगा कि ए बी एंड बी ए, मतलब ए पहले फिर बी बाद में, फिर बी पहले ए बाद में। देखिए, नंबर्स में ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर किसी, यानी कि 5 × 3 इज इक्वल टू 3 × 5, ये हर एक नंबर के लिए पॉसिबल है कोमुटेटिविटी। लेकिन कोमुटेटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। कुछ मैट्रिसेस के लिए आपको मिल जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, लेकिन सभी के लिए ओवरऑल, देखो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट वो होता है जो सबके लिए ट्रू हो, ठीक है। कोई भी रूल वो होता है जो सबके लिए वैलिड हो, अगर वो सबके लिए वैलिड नहीं है ना, तो वो रूल नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए सबके लिए वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब कोमुटेटिविटी फेल हो जाती है कहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि जैसे हम एसोसिएटिविटी में क्या पढ़ते थे, ए प्लस बी, तीन 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 मैट्रिसेस होती हैं। जब एडिशन में देखा था तो ए प्लस बी प्लस सी, उसमें सीखा था कि चाहे आप पहले लास्ट की दो मैट्रिक्स की का सम करके फर्स्ट में सम कर दो, या फर्स्ट टू का सम करके लास्ट में ऐड कर दो, तो आंसर एक ही आएगा। अच्छा, एसोसिएटिविटी यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होल्ड करेगी, जस्ट कंडीशन ये है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए। मतलब कि क्या है कि ए बी सी, ए बी सी, चाहे तो आप पहले दो की मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिए, या लास्ट वाले दो की मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कीजिए, बस ये पॉसिबल है, ये आपके लिए बिल्कुल ही ट्रू है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए की बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकी होनी चाहिए, मतलब कि इसके नंबर ऑफ रोज, सॉरी, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, तो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो मैच ही नहीं करेंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं होगी, और मल्टीप्लाई नहीं होगी तो हम फिर एसोसिएटिविटी का तो सपना भी मुश्किल है, ठीक। ओके, अब देखिए आइडेंटिटी। जब हमने मैट्रिक्स एडिशन किया था तो वहाँ पे मतलब एडिटिव आइडेंटिटी थी, जो एडिटिव जो आइडेंटिटी थी वो थी आपके पास नल मैट्रिक्स, जीरो, क्योंकि उसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मैं ऐड करूं तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहती है, कोई भी चेंज में नहीं आता है। आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपको ये बात क्लियर होगी होगी बिल्कुल ही, ठीक। ओके, अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसके अंदर आइडेंटिटी होती है आई, ठीक। आई यूनिट मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये एग्जिस्ट आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आई 2×2 की भी हो सकती है, आइडेंटिटी आपके पास 3×3 की भी, आइडेंटिटी आपके पास 4×4 की भी, ये हमेशा ही आपके पास क्या होगा, दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केयर मैट्रिक्स। अगर 2×2 की आइडेंटिटी की बात करूँ तो वो होती है 1 0 0 1, ठीक। अगर मैं 3×3 की आइडेंटिटी की बात करूँ, ये तो आई 2 बोल देते हैं, अगर मैं 3×3 की आइडेंटिटी की बात करूँ तो वो होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसी तरीके से आप 4×4 या 5×5 भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब
फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पे वन आएगा, सेकंड कॉलम में सेकंड पे वन, थर्ड कॉलम में थर्ड पे वन, बाकी सारे जीरो, फोर्थ कॉलम में फोर्थ में वन, बाकी सारे जीरो, फिफ्थ कॉलम में ऐसे ही, मतलब जितने नंबर जोन सा भी कॉलम होगा उसी नंबर के एलिमेंट के अंदर आप वन लिख दीजिएगा, बाकी सारे के सारे जीरो। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जिसकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए कि मेरे पास मैट्रिसेस है ए और इसका ऑर्डर है 3x2, और मैं इसकी अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो 2x2 की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 3x3 की आइडेंटिटी के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों कट हो जाएंगे, और ए की जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए ही आएगा आपके पास, ठीक। और 3 की 2 से 3 और 2 इनको मिलके इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2, जो कि क्या था आपके पास ए का ऑर्डर था, ठीक है। इसको थोड़ा वेरीफाई करने के लिए देख भी लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है 1, 2, 3, 4, ठीक, एंड -2, -1, ये आपके पास, ठीक। इसकी इसका ऑर्डर है 3x2 का, तो इसकी जो मल्टीप्लाई हो सकती है वो I2 से हो सकती है। I2 मीन्स 1, 0, 0, 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, बीच में ये दोनों सेम है, तो इनको अगर छोड़ दें तो 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो जो कि इसका ऑर्डर है। ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सेम रहता है, जो मैंने बात बताई है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जब वन की मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, वन की मल्टीप्लाई वन के साथ, ठीक, और टू की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, वन की मल्टीप्लाई वन के साथ सॉरी जीरो के साथ तो ये जीरो ही होता है, टू की मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो प्लस में टू, अब थ्री की मल्टीप्लाई वन के साथ करूँगा तो थ्री, फोर की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, फिर थ्री फोर को इसके ऊपर रखेंगे, थ्री की मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगी जीरो, फोर की मल्टीप्लाई वन के साथ होगी फोर। अब इसकी टर्न है -2 की मल्टीप्लाई वन के साथ, मतलब इसको यहाँ पे रखेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -2, और -1 की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, ठीक। उसके बाद -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, -1 की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ठीक। और अब अगर मैं इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं इन जीरोस को हटा दूं, यहाँ से भी इन जीरोस को हटा दूं, तो आप ध्यान से देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम मैट्रिक्स थे, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है। मतलब कि आइडेंटिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स के अंदर ना वन होती है, वन की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 100 की मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ 100, एक्स की वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स ही आता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो सेम टू सेम ही रहेगा आपके पास, वो चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे ही जो आइडेंटिटी है ना, वो वन का काम करती है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कुछ मैट्रिक्स का करेगा और कुछ मैट्रिक्स का नहीं करेगा। उसके लिए पूरा टॉपिक है अपने पास, मतलब पूरी एक एक्सरसाइज है, उसको एन अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी उसको नहीं करेंगे, ठीक। एक होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी, कॉम्पिटिटिविटी और आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस देख लिया। उसके बाद है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ये क्या कहता है कि मान लो अगर आप ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले इन दोनों को ऐड करके फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ए की बी से मल्टीप्लाई, ए की सी से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये चीज़ होगी आपके पास, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, उसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे और हमने कैसे कैसे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। कुछ मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए सारा का सारा काम करने के लिए, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, एक ना जीरो मैट्रिक्स होती है ज़ीरो, तो जो जीरो मैट्रिक्स या फिर जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, तो जीरो क्या है कि किसी भी नंबर से जब मैं जीरो की मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो वो जीरो बन जाता है ज़ीरो। तो सेम जो नल मैट्रिक्स ओ है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूँ, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो भी जीरो आएगा, या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से ये बात सीख लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमें किसी मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालना है तो वो होगा ए इंटू ए, और अगर ए क्यूब निकालना है तो वो होगा ए स्केयर इंटू ए। मतलब ए क्यूब निकालने के लिए ना पहले ए स्केयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए फोर निकालना है तो वो होगा ए क्यूब इंटू ए, या
ये भी बोल सकते हैं कि a इंटू ए क्यूब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ध्यान रखें कि स्केयर करना किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ तभी पॉसिबल है, या उसकी इंटीग्रल पावर करना तभी पॉसिबल है अगर वो मैट्रिक्स आपके पास स्केयर मैट्रिक्स हो। अगर स्केयर मैट्रिक्स नहीं है ना, तो आप उसका उसकी इंटीग्रल पावर नहीं ले सकते। क्वेश्चन है 2x 3, सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -3 0, एंड दिस इज x3 इज इक्वल टू 0। और यहां से उसने लिख रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले तो देखिए कि ये तो जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैं जब हम इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो देखूं कि ये इसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो जो इसका ऑर्डर है ना वो है बेटा, इसके अंदर क्या है कि एक तो आपके पास रो है और दो आपके पास कॉलम है। ये आपकी मैट्रिक्स 2 रोज 2 कॉलम की है, और ये 2 रोज और 1 कॉलम है। अब इसके सेंटर में ये वाला कट गया, इसके सेंटर में ये वाला कट जाता है, तो यहाँ से बच जाता है 1 × 1, मतलब ये सिर्फ 1 × 1 की ही मैट्रिक्स आपके पास बचेगी। ठीक है, 1 × 1 की, मतलब 1 × 1 में तो एक ही एलिमेंट होता है, यानी कि सिर्फ नंबर ही होता है। तो इसका मतलब जो जीरो मैट्रिक्स है ना, तो वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक, तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये एक ही रो है इसके अंदर, इस रो को पहले इसके ऊपर रखेंगे, तो 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो 3 × 3 = 9 होता है, लेकिन ये माइनस का आएगा, तो बीच में आपके पास माइनस हो जाएगा। अब 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसको, 2x 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4x, एंड 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। उसके बाद बस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। अब सेकंड रो के लिए जाना था हमने, लेकिन सेकंड रो इसके अंदर है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक क्लोज हो गया, ये बचा आपके पास x3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को, मतलब ये 4x प्लस 0 है, तो इसको इरेज कर लेते हैं 0 को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब 2x माइनस 9 को इस x के ऊपर रखेंगे, तो 2x माइनस 9 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर 4x को इसके ऊपर रखेंगे, तो 4th x की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, और बीच में क्या होगा प्लस। तो ये मैट्रिक्स आपके पास बनी 1 × 1 की मैट्रिक्स, और इस इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यानी कि ये क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करें तो ऐसे करते हैं, 0 मैट्रिक्स को 0 में चेंज कर लेते हैं, और इसको भी मैट्रिक्स हटा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, या 0 मैट्रिक्स को ऐसे कर लेते हैं कि दिस इज 0 मैट्रिक्स, एक एलिमेंट है इसके अंदर सिर्फ, तो कंपेयर करेंगे तो इसके इक्वल आएगा x इंटू 2x माइनस 9 प्लस 4x इंटू 3। सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक, प्लस 4 × 12x इज इक्वल टू 0। अब दिस इज व्हाट, 2x स्क्वायर 12 माइनस 9 आपके पास होता है 3, तो ये बना 3x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि x कॉमन ले ली, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके 2x, यहाँ से बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे कि वन टाइम तो x को 0 रखेंगे इस x को, ठीक है, और एक बार रखेंगे इसको 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल। यानी कि ये x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो x इज इक्वल टू 0 ही आगी, और जो ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो यानी कि x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, x इज इक्वल टू -3। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनके अंदर ये दिखाना है कि वो कहेगा कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी। कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू नॉट बी। तो आपने क्या करना है कि ए बी, पहले ए बी निकाल लोगे फिर बी ए निकाल लोगे, मतलब बी को पहले रख के ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके आपने सिंपल चेक करना है। तो वहां पे क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का जो मोटिव होता है वो ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन बार बार करें और आप अच्छे से सीख जाएं। ठीक, इस तरीके के तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके लिए चूज कर रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 × 2 की मैट्रिक्स है 2 3 -1 2, हमें शो करना है ए स्केयर माइनस 4a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक, और फिर हेंस फाइंड ए रेज टू द पावर 5। मतलब देखो, ए रेज टू द पावर 5 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले ए स्केयर निकाल के, फिर ए क्यूब निकाल के, ए स्केयर इंटू ए, फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये ए इंटू ए होता है, फिर ए रेज टू द पावर 4 निकालेंगे, ए क्यूब इंटू ए, उसके बाद ए रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 4 इंटू ए। तो ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, इससे बचने के लिए हम इसका यूज करेंगे।
ठीक है, इसको निकालने के लिए अगर हमें हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि हैंस फाइंड ए रेज टू द पावर 5, मतलब ए रेज टू द पावर डायरेक्ट नहीं निकालना, इसकी हेल्प से निकालना है हमें, ठीक, और ये इजी भी रहेगा आपके लिए। देखिए अब इसके अंदर क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपके पास आइडेंटिटी 2x2 की वो हमारे पास है ही, जो होती है आइडेंटिटी 2x2 की वो होगी 1001, और ए आपके पास ये रहा। अब हमने निकालना है ए स्केयर, तो ए स्केयर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे यहाँ पे भी, तो ये होगा 2 3 -1 2, और उसके बाद ये आपके पास आएगा यहाँ पे भी 2 3 -1 2। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ए इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एलिमेंट का स्केयर कर दो स्केयर निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करनी है प्रॉपरली जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 2 3 को इसके ऊपर रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 2 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये हो गया -3। ठीक, अब सेकेंड एलिमेंट के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 3 है, 2 3 तो इसको इसके ऊपर रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 के ऊपर होगी तो 2 3 6 प्लस 3 2 के ऊपर रहेगा तो 3 2 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 के ऊपर जाएगा, 2 -1 के ऊपर जाएगा, तो -1 × 2 -1 एंड 2 × -1 -2। फिर अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे आएगा -3 प्लस यहाँ पे आएगा 2 2 4, यानी कि सोल्व करने के बाद ये क्या आ गया, सोल्व करने के बाद ये आया 4 -1 sorry 4 -3 1, ये आ गया आपके पास -4, ये आएगा आपके पास 12, और ये आ गया आपके पास 1, मतलब ए स्केयर की वैल्यू ये आई आपके पास। ठीक है, तो ए स्केयर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालना है, मेरे पास स्पेस की कमी है इस करके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए स्केयर आ गया, ए स्केयर इज इक्वल टू 112 -4 1। ओके, तो अब हमने वेरीफाई करना है कि ए स्केयर -4a + 7a90 है ना, वो 0 के इक्वल है, तो इसको उठाते हैं। अब ये क्या है, ए स्केयर -4a + 7a90 इज इक्वल टू, ए स्केयर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1 -4 12 1, उसके बाद माइनस का 4 है, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू ये दी, दैट इज 2 3 -1 2 प्लस में 7 आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1, ये होती है आपके पास आइडेंटिटी। ओके, अब पहले तो ऐड कर देंगे इनको, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 -4 12 1, यहाँ से 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 12, यहाँ पे 8 और ये -4, यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7, स्केलर मैट्रिक्स बन गई। इसको ध्यान से देखें, और स्केलर मैट्रिक्स से याद आया कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है ना, वो हर एक मैट्रिक्स के साथ कंप्यूट करेगी, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है ए, लेकिन ऐसा आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, कंप्यूट करेगी ये हर एक मैट्रिक्स के साथ, मतलब ए एस विल बी इक्वल टू एस ए ऑलवेज, स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विद एवरी मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है ये। ओके, अच्छा क्या करना है, अब सिंपल ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 -8 + 7 1 -8 + 7, यहाँ पे 12 -12 + 0 12 -12 + 0, यहाँ से -4 + 4 - - + हो जाएगा +4 + में ये वाला 0, फिर 1 -8 + 7 1 - 8 + 7, और ध्यान से देखेंगे तो ये सारे 0 0 0 0 आ गया, मतलब ये आ गया आपके पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल, ये किसके इक्वल आ गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसका मतलब हमने अब ये भी शो कर दिया, अब लास्ट का वर्क है आपके पास क्या है कि A5 निकालना है, क्या निकालना है, A5, तो वो देखते हैं किस तरीके से निकालना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और थोड़ा सा देख लें इसको वीडियो रिवाइंड करके कि किस वजह से मैंने ये किया है। ओके, अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन 3x3 की मैट्रिक्स के लिए भी आ सकता है, और 2x2 की, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको करवा दिया, 3x3 का बिल्कुल ही सेम है। ठीक, क्या करना है, हाउ टू डू, अब ए यहाँ पे हमारे पास है ए स्केयर -4a + 7i = 0, इनको उधर ले जाते हैं तो ये आएगा आपके पास 4a + 7i90, ये आपके पास क्या है, ए स्केयर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए स्केयर। देखिए क्या करेंगे कि इसको ए स्केयर को दोनों तरफ ए रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ए रेज टू द पावर 5 बन जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, जो कि आपके पास 4a + 7i90, इसको भी क्या करते हैं, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो यहाँ पे बन जाएगा ये a रेज टू पावर 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी सेम ही रहेगा 4 a रेज टू पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब इनटू आइडेंटिटी a क्यूब बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी हट जाता है, सो दिस इज a क्यूब। ओके, अब अपने काम क्या है कि a रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 4, इसको लिखेंगे a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर और इसको लिखेंगे a इनटू a स्क्वायर, ताकि मैं a स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर सकूं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 4, यहां पे बनेगा आपके पास 4a प्लस 7 आइडेंटिटी। ठीक, फिर से 4a, या इसको इस वे से, ठीक है, इसी से करते हैं 4a प्लस 7 आइडेंटिटी प्लस 7a इनटू, यहां पे भी 4a प्लस 7 आइडेंटिटी। ओके, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला 4 आपके पास सेम टू सेम रहेगा, 4a की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a इनटू a स्क्वायर, इसके साथ 4a की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 28a इनटू आइडेंटिटी इज a, जहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 28a आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी इनटू a ही होता है। अब आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी स्क्वायर दैट इज अगेन आइडेंटिटी, एंड 7 इनटू 7 दैट इज 49 प्लस 7, a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 7a। ओके, अब फिर से क्या करना है कि जहां जहां पे a स्क्वायर है ना, वो a स्क्वायर को हटा दीजिए, मतलब a स्क्वायर की ये दोबारा से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, सिंपल किस वे से करेंगे, सिंपल करेंगे a रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 इनटू, ये आपके पास 16a स्क्वायर है, उसके बाद 28 एंड 28 दैट इज 56a, फिर आपके पास 49 आइडेंटिटी, आगे आपके पास 7, ये 4a स्क्वायर प्लस में 7 आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर की वैल्यू आप दोबारा से फिर पुट कर दीजिए, दैट इज 4a प्लस 7 आइडेंटिटी, क्या कैसे 4, यहां पे क्या 16 इनटू 4a प्लस 7 आइडेंटिटी प्लस 56 से, ठीक है, प्लस 49 आइडेंटिटी, और यहां पे 7 4 जो 28, या ऐसे करते हैं कि 7 यहां पे आ जाएगा 4 इनटू 4a प्लस 7 आइडेंटिटी, और प्लस में ये फिर से आ गया आपके पास 7a, सो दिस इज 7a। ठीक है, ये आपके पास है 7a, अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस सारे को ही। ठीक, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 और 56, ठीक है, ये दोनों a, मतलब यहां से 64a और 56a, अब 64 को 56 के अंदर ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा आपके पास 120, तो मतलब ये बन गया आपके पास 120a। अच्छा, आइडेंटिटी काउंट करेंगे तो यहां पे 16 7 जो होता है 112, ठीक, और 49, मतलब 9 एंड 2 11, 4 एंड 1 5 6, तो मतलब 161 आइडेंटिटी आ जाएगा यहां पे, 161 आइडेंटिटीज। ओके, अब यहां पे जाएंगे तो ये 7 इनटू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16a प्लस 4 7 जा 28, 28 आइडेंटिटी, ठीक है, 28 आइडेंटिटी, और यहां से क्या है कि 16 और 7, 16 और 7 देखेंगे तो 23a बन जाएगा आपके पास। अब इनको क्या करेंगे कि सिंपली इनको भी ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके जो भी हम जो भी आंसर आएगा तो उसमें क्या है कि सिर्फ a और आइडेंटिटी बचेगी आपके पास, क्या बचेगी, सिर्फ a और आइडेंटिटी, थोड़ा सा लेंथी हो चुका है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको, 12 4 जा 48 0 a प्लस यहां पे 4 4 से 24 एंड 6 4 4 बन गया आपके पास आइडेंटिटी, प्लस यहां से करेंगे तो 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 तो 161 आ गया आपके पास a, प्लस यहां से करेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, ठीक है, 5 7 2 जा 14 एंड 5 19 आइडेंटिटी, इतनी आइडेंटिटी आ गया आपके पास। अब इनको ऐड करते हैं तो 1 4 एंड दिस इज 6, ठीक है, a, और इनको ऐड करें तो 6 एंड 4 10, 9 एंड 4 13 एंड 1 4 अगेन, तो ये आपके पास आइडेंटिटीज। अब क्या करना है कि यहां पे जस्ट a और i दोनों की वैल्यू पुट करनी है, ठीक, जब a और i की दोनों की आप वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो आपके पास आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये a गिवन है और हमें प्रूव करना है कि a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू दिस। अब देखिए कि n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, यहां पे गिवन है कि n इज नेचुरल नंबर, मतलब a रेज टू द पावर n ना इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां से ये है कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है और हमें इसका पता होता कि a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 5 है,
यानी कि a रेज़ टू द पावर 5 है ना, तो मैं a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू द पावर 4 और देन a रेज़ टू द पावर 5 निकालूं। लेकिन यहां तो a रेज़ टू द पावर n है, अब n कौन सी वैल्यू और मैं कहां तक जाऊं? तो जब ऐसा ऐसा केस आ जाता है ना, जब n के लिए प्रूव करना होता है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं, ठीक, जो कि हमने प्लस वन क्लास के अंदर सीखे हैं। अब उसमें क्या था, पहला स्टेप था p1, यानी कि 4 n इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आपके पास n इज इक्वल टू 1, यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसमें पुट करें ना, तो इसके अंदर पुट करें तो a रेज़ टू द पावर 1 और यहां पे n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा आइटा sin थीटा, ठीक है, आइटा यहां पे भी sin थीटा एंड cos थीटा, और जो कि ये सेम टू सेम a आपके पास बन गया, मतलब 4 n इज इक्वल टू 1 ये आपके पास ट्रू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपके पास 4n is equal to k, ठीक है, p 4n is equal to k, मतलब हम यहां पे लिखेंगे suppose it is true for n is equal to k। अब n is equal to k के लिए true मान लेते हैं, यानी कि a raise to the power k is equal to, यहां पे वैल्यू पुट करना है, cos k theta iota sin k theta iota sin k theta and cos k theta, ये बात, ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। तो क्या है कि नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, p n is equal to k plus 1 में, now we will prove for n is equal to k plus 1। पहले तो यही देखते हैं कि प्रूव क्या करना पड़ेगा, मतलब a रेज़ टू द पावर k प्लस 1, तो यहां पे रखेंगे क्या होगा कि cos n k प्लस 1 थीटा iota sin k प्लस 1 थीटा सेम iota sin k प्लस 1 थीटा एंड cos k प्लस 1 थीटा, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो देखिए प्रूफ पे चलते हैं, ये चीज हमने प्रूव कर ली, प्रूव करते हैं इसकी हेल्प लेके, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसकी हेल्प लेंगे। तो कैसे हेल्प लेंगे कि a रेज़ टू द पावर k प्लस 1 है ना, जो वो होता है a रेज़ टू द पावर k इनटू a। अब a रेज़ टू द पावर k किसके इक्वल थी, यूजिंग 1 ये लिख रखी है यहां पे, cos k थीटा iota sin k थीटा, ठीक है, iota sin k थीटा एंड यहां पे cos k थीटा। उसके बाद a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करें तो वो आएगा आपके पास cos थीटा आइटा साइन थीटा आइटा साइन थीटा, और यहां पे क्या है आपके पास कोस थीटा, मल्टीप्लाई करनी है सर, मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या हुआ, जब मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों इसके ऊपर रखे जाएंगे, मतलब कोस के थीटा इनटू कोस थीटा, तो ये बन गया आपके पास कोस के थीटा इनटू कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन के थीटा इनटू साइन थीटा, साइन के थीटा इनटू में साइन थीटा और आइटा इनटू आइटा, दैट इज आइटा स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो इसकी ये इसके ऊपर रखा जाएगा कोस के थीटा यहां पे जाएगा, तो ये बन गया आपके पास, ये आइटा साइन थीटा को मैं पहले ही लेता हूं आइटा साइन थीटा, और ये वाला क्या है कोस के थीटा। उसके बाद ये इसके ऊपर रखा जाएगा तो यहां पे भी आइटा है, तो ये बनेगा आपके पास प्लस आइटा, ये वाला पहले लेता हूं कोस थीटा एंड साइन के थीटा, ये चीज बन गया, ठीक। ओके, अब क्या करते हैं कि इन दोनों की इनके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आइटा साइन के थीटा कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास आइटा साइन के थीटा कोस थीटा। उसके बाद क्या करना है, ये इसके ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपके पास आइटा कोस के थीटा और साथ में साइन थीटा। अब टर्न है इनको इनके ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बना आइटा साइन थीटा और यहां पे भी आइटा साइन थीटा, मतलब आइटा स्क्वायर इधर से साइन के थीटा और वहां का साइन थीटा। उसके बाद क्या करेंगे कि ये आपके पास इसके ऊपर आएगा, तो इनके ऊपर कोई आइटा नहीं है, मतलब कि सिंपल है कोस के थीटा, साथ में क्या होगा आपके पास यहां पे कोस थीटा, ये वाला कोस थीटा और ये कोस के थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक। अब यहां से देखिए कि ये आइटा स्क्वायर है एंड आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब इन दोनों में आइटा है तो दोनों में से आइटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। सेम वर्क यहाँ पे दोनों में ही आइटा है तो यहाँ से आइटा हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे
ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद ये आइटा स्केयर है, तो आइटा स्केयर आपके पास क्या होता है, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बना, कोस है कोस भी, माइनस साइन है साइन भी, ठीक है। यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला। इसको इसको यूज करेंगे बस, तो यानी कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला कोस ए प्लस बी। तो अब ए आपके पास के थीटा, ये आपके पास थीटा है, तो ये बन गया आपके पास के थीटा प्लस में थीटा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आइटा तो कॉमन आएंगे, आइटा ये किसका बना, ये बना साइन ए कोस बी एंड कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक। तो जब ये क्या बनेगा आपके पास, आइटा सेम टू सेम यहाँ पे रखेंगे, और ये बनेगा साइन यहाँ पे थीटा प्लस के थीटा, थीटा प्लस के थीटा, यानी कि साइन ए प्लस बी बन गया। ये सेम टू सेम ये भी क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। आइटा आपके पास बार है, यानी कि ये भी बन गया आपके पास साइन के थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कोस के थीटा कोस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास कोस के थीटा प्लस में थीटा, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान से देखेंगे थीटा कॉमन नहीं, तो यहाँ से थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये के प्लस वन इंटू थीटा बन गया। यहाँ से भी थीटा कॉमन है, तो ये भी क्या बन गया, के प्लस वन थीटा। इसी तरीके से ये वन प्लस के थीटा बन रहा है, तो के प्लस वन या के प्लस वन सेम है, के प्लस वन थीटा। और ये भी क्या आपके पास के प्लस वन, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से थीटा। तो ध्यान से देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों भी दोनों सेम बनेंगे, मतलब कि हेंस यानी सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। दिस हेंस हेंस इट इज ट्रू फॉर हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल एन, मतलब हर एक एन के लिए पॉसिबल है। तो जो यहां पर एन था ना, ये एवरीएन था। अब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 up to 1000 या 2000 या 1 लाख तक जाएंगे, तो सभी की वैल्यू तो निकालनी पॉसिबल नहीं है। तो हमने सीधा ही यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हमने सीधा ही हर एक एन के लिए इसको ट्रू दिखा दिया। सो इस टाइप के आपके पास कुछ क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन के। पूरी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है उससे। तो फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिखाने की कोशिश की है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको सोल्व करके वापस रिप्लाई करूँ।